अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में आई यू पैक नेमिंग ऑफ अमाइंस व्हाट आर अमाइंस अमाइंस आर ऑर्गेनिक कंपाउंड विच आर ड्राइव फ्रॉम अमोनिया बाय रिप्लेसिंग वन और मोर हाइड्रोजन एटम विद अल्काइल ग्रुप ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड को आप अमाइंस कहते हैं टाइप्स ऑफ अमाइन बेस्ड ऑन द रिप्लेसमेंट ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम थ्री टाइप्स ऑफ अमाइंस हैं इफ़ ऑन वन हाइड्रोजन ऑफ अमोनिया इज रिप्लेड बाई वन अल्काइल ग्रुप इसे आप प्राइमरी अमाइन कहेंगे वैन टू हाइड्रोजन आइटम ऑफ अमोनिया आर रिप्लेसड विथ टू आर ग्रुप और अल्काइल ग्रुप ये सेकेंडरी अमाइंस हैं वैन आल द थ्री हाइड्रोजन आइटम ऑफ अमोनिया आर रिप्लेसड बाई थ्री अल्काइल ग्रुप इसे आप टर्शरी अमाइन्स कहते हैं नेमिंग के लिए फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे नेमिंग ऑफ प्राइमरी अमाइंस प्राइमरी अमाइंस की जो नेमिंग है आयुपेक नेमिंग वो अल्केन के नेम से डिराइव्ड होगा अल्के्के्के्के्केन के नेम के साथ ऐड करना है वर्ड अमाइन बट आफ्टर रिप्लेसिंग ई ऑफ अल्केकेन अल्केन के नेम से ई e रिप्लेस हो जाएगा और अल्केन के साथ ऐड कर देंगे अमाइन सो अल्केन अमाइन इनका आयुपैक नेम है इसमें वर्ड अल्केन कार्बन चेन को रिप्रजेंट करेगा एंड वर्ड अमाइन फंक्शनल ग्रुप ऑफ अमाइन एन एच टू अमाइनो ग्रुप को रिप्रेजेंट करेगा फॉर एग्ज़ाम्पल अब फर्स्ट एग्जाम्पल इसकी नेमिंग अगर हम करें आईपेक नेमिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है इफ़ चेन कंटेन मोर दैन टू कार्बन तो फिर चेन को नंबर भी करना है अमाइनो ग्रुप की पोजिशन भी लिखनी है अब इसके इसमें थ्री कार्बन चेन क्योंकि कार्बन टू से ज़्यादा हैं इसलिए चेन को नंबर करेंगे फ्राम अमाइनो ग्रुप साइड अमाइनो ग्रुप लोअर पोजिशन पर रहना चाहिए अब uh, फर्स्ट हम चेन को रिप्रेजेंट करेंगे बाई टर्म अल्केन थ्री कार्बन चेन है सो so, हम चेन को रिप्रेजेंट करेंगे बाई वर्ड प्रोपेन ई रिप्लेस हो जाएगा देन अमाइनो ग्रुप की पोजिशन लिखनी है अमाइनो ग्रुप इज़ अटैच टू कार्बन नंबर वन एंड देन एंड नेम आपके पास आ जाएगा अमाइन प्रोपेन वन अमाइन नेक्स्ट एग्जांपल आपके पास रहती है सेकंड एग्जांपल सेकंड एग्जांपल में फर्स्ट आपने चेन सेलेक्ट करनी है इस केस में लॉन्गेस्ट चेन आपके पास बन रही है स्ट्रेट चेन फर्स्ट स्टेप देन नंबरिंग करना है चेन को इस केस में नंबरिंग दोनों साइड से पॉसिबल है क्योंकि अमाइनो ग्रुप एंड मिथाइल ग्रुप दोनों सेम पोजिशन पर हैं फॉर एग्जाम्पल अगर आप राइट right साइड से नंबर करें तो मिथाइल ग्रुप पोजीशन थ्री पर आ रहा है अगर आप लेफ्ट साइड से नंबर करें अमाइनो ग्रुप पोजीशन थ्री पे आ रहा है दोनों तरफ से पोजीशन सेम हो तो आपने अमाइनो ग्रुप वाली साइड से नंबरिंग करनी है सो so, इस कंपाउंड की नेमिंग होगी फ्रॉम अमाइनो ग्रुप साइड क्योंकि अमाइनो ग्रुप और मिथाइल ग्रुप सेम पोजीशन पे आए अल्काइल ग्रुप तो अमाइनो ग्रुप वाली साइड से नंबरिंग होगी वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स अमाइनो ग्रुप को लोअर पोजिशन पर रखना है नेक्स्ट आपके पास आ जाता है ब्रांच की पोजीशन अगर चेन में ब्रांच अल्काइल ग्रुप है तो उसकी पोजीशन और नेम पहले लिखा जाएगा अल्काइल ग्रुप इज अटैच एट पोजीशन फोर कार्बन नंबर फोर वन कार्बन अल्काइल ग्रुप इज कॉल्ड मीथाइल देन चेन को रिप्रेजेंट करना है सिक्स कार्बन चेन को आप रिप्रेजेंट करेंगे बाय वर्ड हैगजेन ई रिप्लेस करते हैं देन पोजिशन ऑफ अमाइनो ग्रुप अमाइनो ग्रुप इज अटैच टू कार्बन नंबर थ्री एंड एंड नेम आ जाएगा अमाइन The next example. नेक्स्ट एग्जाम्पल में पहला आपके पास स्टेप है सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कॉन्टीन्यूस चेन सेलेक्ट करना है अब चेन सिलेक्शन आपके पास नियरेस्ट टू अमाइनो ग्रुप देखा जाए तो यहाँ से आप चेन सेलेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि आपके पास इसके साथ डायरेक्टली बॉन्डेड कार्बन आइटम है जिसे आप कॉन्टीन्यूस चेन बोलते हैं सो so, क्योंकि इस कार्बन के साथ ये वाला कार्बन बॉन्डेड है सो so चेन की नंबरिंग इस कार्बन से होगी बिकॉज इट इज़ कॉन्टीन्यूस चेन और ये लॉन्गेस्ट चेन बनेगी अगर आप यहां से सेलेक्ट करते हैं तो कार्बन चेन वन टू थ्री फोर कार्बन लेकिन अगर आप चेन सिलेक्शन यहां से करेंगे तो फिर कार्बन लॉन्गेस्ट भी है चेन लॉन्गेस्ट भी है एंड कंटिन्यूस भी है सो चेन सिलेक्शन आपके पास होगी इस कार्बन से क्योंकि ये ब्रांच नहीं है सबस्टेंट नहीं है कॉन्टीन्यूस चेन है चेन का हिस्सा है अब यहां पे दो सब्सटेंट आते हैं अल्काइल 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 ग्रुप 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 टू टू कार्बन कार्बन एंड अनदर नंबर सो ब्रांच पोजीशन पहले लिखते हैं टू सेम अल्काइल ग्रुप हैं सो अलकाशन लिखते हैं थ्री फोर सिमिलर अल्काइल ग्रुप हों तो टर्म डाई लिखेंगे वन कार्बन अल्काइल ग्रुप इज कॉल्ड मिथाइल देन चेन फाइव कार्बन चेन पेंटेन वर्ड से रिप्रेजेंट करना है ई e रिप्लेस हो जाएगा पोजीशन ऑफ अमाइनो ग्रुप अमाइनो ग्रुप इज अटैच टू कार्बन नंबर टू एंड नेम आ जाएगा अमाइन प्राइमरी अमाइन के बाद नेक्स्ट आपके पास नेमिंग आती है सेकेंडरी एंड टर्शरी अमाइंस सकेंड्री एंड टर्शरी अमायंस सकेंड्री अमाइन बिच कंटेन टू अकायल ग्रुप एंड टर्शरी अमायंस विच कन्टेन थ्री अलकाल ग्रुप अब क्योंकि यहाँ पर अलकाल ग्रुप एक से ज़्यादा होंगे तो पहला स्टेप यह है कि आप नंबर ऑफ अलकाल ग्रुप के लिहाज से ग्रुप कंपाउंड uh, को दो पार्ट्स में कन्वर्ट करेंगे फर्स्ट एंड नेम एंड फर्स्ट नेम के लिए वो अलकाल ग्रुप जिसमें कार्बन नंबर ज्यादा हैं उसका नेम आप ऐसे अल्केकैन अमायन लिखेंगे और ये एंड नेम होगा और उस अलकायल ग्रुप में जिसमें कार्बन नंबर कम है उसे आप एज ए नाइट्रोजन सब्सिटेड अल्काइल ग्रुप कंसिडर करेंगे और इसका नाम आपने स्टार्ट में लिखना है फॉर एग्जाम्पल अगर इसी कंपाउंड की आई यूपे नेमिंग लिखी जाए तो फर्स्ट हम फर्स्ट नेम लिखते हैं और फर्स्ट नेम आप इस अल्काइल ग्रुप का नाम लिखेंगे एज नाइट्रोजन सब्सटेटेड नाइट्रोजन सब्सटेटेड का मतलब है अल्काइल ग्रुप विच इज अटैच विद नाइट्रोजन नाइट्रोजन के साथ जो अटैच ग्रुप है उसका नाम इसलिए नाइट्रोजन के साथ अटैच है तो नाइट्रोजन को हम कैपिटल एन नाइट्रोजन के सिंबल से रिप्रेजेंट रहे हैं, नाइट्रोजन के साथ अटैच अल्काइल ग्रुप का नाम लिखना है विच इज वन कार्बन अल्काइल ग्रुप ये फर्स्ट नेम हो गया देन एंड नेम की तरफ आएंगे एंड नेम अल्केन अमाइन है टू कार्बन अल्केन को इथेन कहते हैं ई रिप्लेस करना है एंड एंड नेम आ जाएगा अमाइन सो so इसका यूपैक नेम है एन मिथाइल इथेन अमाइन सेकेंड एग्जाम्पल भी सेकेंडरी अमाइंस के लिए है फॉर एग्जाम्पल इसमें भी आपका पहला स्टेप है द अल्काइल ग्रुप विच कंटेन मैक्सिमम और मोर कार्बन एटम ये एंड नेम के लिए सिलेक्ट हो जाएगा और अल्काइल ग्रुप विच कंटेन लेस कार्बन एटम इसका नाम आपने स्टार्ट में लिखना है एज ए नाइट्रोजन सब्सिएटेड अल्काइल ग्रुप अल्काइल ग्रुप विच इज़ अटैच विद नाइट्रोजन इसलिए नाइट्रोजन को एन से रिप्रजेंट करना है एन फॉर नाइट्रोजन एटम देन इसके साथ अटैच अल्काइल ग्रुप टू कार्बन अल्काइल ग्रुप अटैच है जिसको आप इथाइल कहते हैं दैन एंड नेम पे आए और जब भी चेन में कार्बन एटम दो से ज़्यादा होंगे तब पोजिशन भी लिखनी होगी अमाइनो ग्रुप की इसलिए यहाँ पर चेन को नंबर किया जाएगा फ्रॉम अमाइनो ग्रुप साइड फर्स्ट थ्री कार्बन चेन प्रोपेन ई रिप्लेस करना है पोजिशन ऑफ अमाइनो ग्रुप नाइट्रोजन इस अटैच टू कार्बन नंबर वन एंड एंड नेम आ जाएगा अमाइन नेक्स्ट एग्जाम्पल आ रही है टश्रिया माइंस क्योंकि आपको यहाँ पे तीन अल्काइल ग्रुप नजर आ रहे हैं फर्स्ट अल्काइल ग्रुप इज वन कार्बन मीथाइल सेकेंड अल्काइल ग्रुप वन कार्बन मीथाइल एंड थर्ड अल्काइल ग्रुप इज़ टू कार्बन ईथाइल अब इनमें बिगर क्योंकि ईथाइल हैं तो ये एंड नेम के लिए सिलेक्ट हो जाएगा और बाकी दो अल्काइल ग्रुप जो हैं इनका नाम एज ए नाइट्रोजन सब्सिटेड अल्काइल ग्रुप लिखना है नाइट्रोजन के साथ अटैच अल्काइल ग्रुप सो नाइट्रोजन के साथ क्योंकि दो अल्काइल ग्रुप हैं दोनों सिमिलर हैं इसलिए नाइट्रोजन को दो दफा लिखें एन एन जैसे ए की कार्बन पे दो सब्सटेंट हो तो नंबर आप रिपीट करते हैं वैसे वन मिथाइल ग्रुप इज अटैच विद नाइट्रोजन सेकंड अटैच विद नाइट्रोजन नाइट्रोजन के साथ दो मिथाइल ग्रुप हैं इसलिए नाइट्रोजन को दो दफा रिप्रेजेंट किया है टू सिमिलर ग्रुप हों तो आप डाई लिखते हैं वन कार्बन अल्काइल ग्रुप इज कॉल्ड मिथाइल देन एंड नेम आ जाएगा अगर दो ही कार्बन आइटम हो कोई पोजिशन नहीं है डायरेक्ट आप कार्बन चेन को रिप्रेजेंट करेंगे बाई इथेन ई रिप्लेस हो जाएगा एंड नेम इज़ अमाइन नेक्स्ट एग्जाम्पल भी आपके पास आ रही है टर्श्रियामाइंस बिकॉज दे इट कंटेन थ्री अल्काइल ग्रुप वन अल्काइल ग्रुप वन कार्बन मी है सेकेंड अल्काइल ग्रुप टू कार्बन ई है और थर्ड अल्काइल ग्रुप थ्री कार्बन प्रोपाइल है इट मीन्स ये जो प्रोपाइल ग्रुप है ये एंड नेम के लिए सेलेक्ट हो गया बाकी जो आपके पास स्मॉलर अल्काइल ग्रुप हैं उनका नाम आप स्टार्ट में एज ए फर्स्ट नेम नाइट्रोजन सब्सिटेड अल्काइल ग्रुप के फॉर्म में लिखेंगे अब क्योंकि ये दोनों अल्काइल ग्रुप डिफरेंट uh, है इसलिए अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे नेम लिखा जाएगा टू कार्बन अल्काइल ग्रुप इथाइल का नाम आप पहले लिखेंगे बट दिस इथाइल इज अटैच विद नाइट्रोजन एटम इसलिए नाइट्रोजन को रिप्रेजेंट करें एन इथाइल ग्रुप अल्फाबेटिकल ऑर्डर की वजह से पहले लिखेंगे देन अगेन नाइट्रोजन के साथ सेकेंड ग्रुप मी है नाइट्रोजन एन मी अब नेम इस ग्रुप का नाम आ जाएगा इस ग्रुप में क्योंकि कार्बन दो से ज़्यादा है सो नंबरिंग करनी है अब नंबरिंग आपने यहाँ से नहीं करनी क्योंकि कार्बन के साथ बॉन्डेड सी एच थ्री है और कार्बन बॉन्ड कार्बन हो तो वो कॉन्टीन्यूस चेन बनती है इसलिए नंबरिंग यहाँ से होगी कॉन्टीन्यूस एंड लॉन्गेस्ट चेन थ्री कार्बन थ्री कार्बन है तो प्रोपेन लिखेंगे ई रिप्लेस हो जाएगा नाइट्रोजन इज अटैच विथ कार्बन नंबर टू सो पोजिशन ऑफ अमाइनो ग्रुप इज़ टू एंड नेम इज़ अमाइन नेक्स्ट आपके पास एग्जाम्पल आ जाती है अगेन टश्री एमाइंस हैं विच कॉन्टेन थ्री अमाइनो ग्रुप सॉरी थ्री अल्काइल ग्रुप टू कार्बन अल्काइल इथाइल टू कार्बन इथाइल एंड फोर कार्बन ब्यूटाइल जो आपके पास बिगर अल्काइल ग्रुप है वो एंड नेम के लिए सेलेक्ट हो गया और इथाइल ग्रुप की नेमिंग आप स्टार्ट में लिखेंगे विद नाइट्रोजन नाइट्रोजन के साथ दो सिमिलर ग्रुप हैं सो नाइट्रोजन को दो दफा लिखेंगे नेम के अंदर एन एन देन टू सिमिलर ग्रुप हैं डाई टू कार्बन अल्काइल ग्रुप आर कॉल्ड इथाइल। देन फोर कार्बन है चेन को नंबर भी करना है बिकॉज चेन कंटेन मोर देन टू कार्बन नंबरिंग होगी फ्रॉम अमाइनो ग्रुप साइट। फोर कार्बन चेन का नाम आप रिप्रेजेंट करेंगे एस ब्यूटेन ई रिप्लेस हो जाएगा पोजिशन ऑफ अमाइनो ग्रुपिस वन एंड नेम अमाइन नेक्स्ट आपके पास रहते हैं डाया माइंस डाया माइंस विच कंटेंट टू अमाइनो ग्रुप अगर एक ही चेन में दो अमाइनो ग्रुप हों तो वो डाया है अब डाया के लिए फर्स्ट एग्जाम्पल में चेन क्लोज है पहले से ओपन कर लेते हैं स्टार्ट ऑफ द चेन अमाइनो ग्रुप है एन एच टू देन सी एच टू होल सिक्स का मतलब है आप सी एस टू को सिक्स टाइम्स लिख दें या आप पहले सीख चुके हैं चेन के अंदर जो रिपीटिंग ग्रुप होता है वो सी एच टू होता है सो so, इसको आप सिक्स टाइम लिख दें और चेन के एंड में अगेन आ जाएगा एन एच टू लॉन्गेस्ट चेन हो तो नंबर करना है वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स फर्स्ट चेन को आप रिप्रेजेंट करेंगे वर्ड हैगजेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है इफ़ चेन कंटेन मोर देन वन अमाइनो ग्रुप तो जो अल्केकैन का नेम है उसे ई रिप्लेस नहीं होता ई लिखा जाएगा देन पोजिशन ऑफ अमाइनो ग्रुप एक अमाइनो ग्रुप वन पे अटैच है सेकेंड अमाइनो ग्रुप कार्बन नंबर सिक्स पे अटैच है टू अमाइनो ग्रुप हैं डाई फॉर टू एंड एंड नेम इज अमाइन नेक्स्ट एग्जाम्पल में फर्स्ट सिलेक्शन ऑफ चेन इस केस में आपके पास लॉन्गेस्ट चेन आ रही है स्ट्रेट चेन नंबरिंग करेंगे फ्रॉम लोअर पोजिशन जहाँ पे सब्सिटेंट लोअर पोजिशन पे रहे सो राइट साइड से दो हैं जो लोअर साइड पे रहते हैं पोजिशन पे रहते हैं अमाइनो एंड मीथाइल देन अल्काइल ग्रुप की पोजीशन और नेम पहले लिखा जाता है नंबर टू पे अटैच है अल्काइल ग्रुप मीथाइल देन चेन का नेम लिखें फाइव कार्बन चेन पेंटेन मोस्ट इंपॉर्टेंट चेन के अंदर दो अमाइनो ग्रुप हैं ई रिप्लेस नहीं होगा देन पोजिशन ऑफ बोथ अमाइनो ग्रुप एक अमाइनो ग्रुप नंबर टू पे अटैच है एक अमाइनो ग्रुप कार्बन नंबर थ्री के साथ अटैच है टू अमाइनो ग्रुप हैं डे एंड नेम इज अमाइन लास्ट एग्जाम्पल में फर्स्ट रूल सिलेक्शन ऑफ चेन लॉन्गेस्ट चेन नंबरिंग होगी फ्रॉम लोअर पोजिशन साइड लेफ्ट साइड से सबसे लोअर पोजिशन पर रहेंगे देन फर्स्ट अल्काइल ग्रुप की पोजिशन देखते हैं दो अल्काइल ग्रुप सेम एक कार्बन नंबर टू पे अटैच है एक कार्बन नंबर थ्री पे अटैच है टू थ्री सिमिलर ग्रुप हों तो डाई मिथाइल लिखा जाता है देन चेन को रिप्रेजेंट करें सिक्स कार्बन चेन हेक्सेन अगेन ई रिप्लेस नहीं होगा पोजीशन ऑफ अमाइनो ग्रुप वन अमाइनो ग्रुप अटैच है कार्बन नंबर टू सेकेंड अमाइनो ग्रुप अटैच है कार्बन नंबर थ्री टू थ्री टू अमाइनो ग्रुप हैं डाई एंड नेम आ जाएगा अमाइन